तारीख से आप देश की आधी से ज्यादा जनता किसानों को आतंकवादी कहती है। देखिए वो जो आधी से ज्यादा जनता नहीं कह सकते आप उसको, आधी से ज्यादा जनता तो बॉर्डर पे, ठीक ये नहीं कह सकते आप। अपना आंकड़े निकाले लिखाड़े अपना आंकड़े, पत्रकार महोदय जवाब नहीं दे रही आप। लोगों से आपने पूछा आंकड़े लिखाड़े उन लोगों ने, ये लोग तो गुस्से में हैं। अरे स्थानीय लोग भी गुस्से में हैं, जो यहाँ विधायक जी आए अपने बदमाश ने लेके। जान का खतरा था, जान का खतरा था। एक बात बताओ, इतनी पुलिस यहाँ छावनी इन्होंने बना दिया, यू इतनी पुलिस लाल किले पर लगा दे। पुलिस कर्मी कहीं घायल भी हुआ, अमित शाह जी उनसे मिलकर भी आए। देखिए अमित शाह जी उनसे मिले आए, फट देनी सी, तुरंत देनी सी। किसानन की इतनी शहादत हुई यहाँ आए नहीं। देखिए पुलिस कर्मी वे भी हमारे अपने भाई हैं, हमें दुख है, लेकिन जो मैंने वो वीडियो देखी है ना, वे ऊपर से नीचे गिर रहे, वह दीवार पे चढ़ने से नीचे गिरने से आधे घायल हुए, ना कि किसानन ने मारे वे। धार्मिक झंडा फहराया उस पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? देखिए चाहे कोई भी व्यक्ति है उस व्यक्ति पे, कि एक तो इस आंदोलन को धर्म सुना जोड़ा है, उस जोड़ा है, उस व्यक्ति ने जो काम किया ना, सिर्फ मेरे को जो बुरा लगा वो काम, लाल किले पे एक बंदे ने उसको झंडा पकड़ाया, राष्ट्रीय ध्वज मेरे भारत का, उसने उस झंडे को छोड़ के नीचे घेर दिया, फिर उसने वो झंडा लगाया, उस पर कानूनी कार्रवाई सख्त सुसख्त होनी चाहिए। कड़े शब्दों में निंदा करते हैं उसको, तो सारे के सारे वो मेरे सामने आ जावे ना, भगवान की कसम आके मुंह लाल कर दूंगा।